जमीन संबंधित कागजात अब मिल जाएंगे ऑनलाइन। यहां जाने किन 12 कागजातों को किया जा सकता है ऑनलाइन प्राप्त। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आप रूबरू बिहार देख रहे हैं। राज्य के लगभग सभी गांव में जमीन सर्वेक्षण का काम जो है शुरू किया जा चुका है। इस जमीन सर्वेक्षण को करने का मकसद यही था कि जमीन के असल मालिकों को उनका अधिकार दिया जा सके, साथ में अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री पर लगाम लगाया जा सके। वैसे तो जमीन सर्वेक्षण के लिए ग्रामों में शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी जमीन से संबंधित दस्तावेजों की वजह से लोगों के दिमाग में कई प्रकार के सवाल और शंका प्रबल हो रही है। लोगों में सबसे ज्यादा शंका जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद और अन्य दस्तावेजों के अभिलेखों को पाने के लिए हो रही है। लोग अपने अंचल कार्यालयों के चक्कर भी लगा रहे हैं। वही बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसके लिए बयान दिया है कि लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सभी कागजात जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, लोगों को अंचल कार्यालय या फिर राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब से सभी रैयत ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर इन तमाम दस्तावेजों को हासिल करके इनका प्रिंट आउट निकाल कर काम कर सकते हैं। अगर कोई कागजात आधे अधूरे हैं तो भी उसकी स्वघोषणा कर सकते हैं। इसके लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने यह भी बताया कि जमीन से संबंधित कोई भी कागजात को लेकर स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जमीन के कागजात कम है या फिर आधे अधूरे हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी स्वघोषणा करने को ना टाले। इस विशेष जमीन सर्वेक्षण के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन आवश्यक नहीं होगी। पहले वाली ऑफलाइन कटी हुई रसीद भी पूरी तरह से मान्य होगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वंशावली बनाने को लेकर तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं, इसलिए बिना कही जाए हुए वंशावली खुद से बनानी है। अब किसी से भी सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है। वंशावली आपको स्वयं ही सादे कागज पर बनानी है तथा उसे स्वघोषणा के साथ युक्त करनी है। बिहार सरकार द्वारा एक वेबसाइट बनाया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति 12 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर किए हुए कॉपी को भी ऑनलाइन हासिल कर सकता है। इस प्रक्रिया के लिए सरकार के पास कुछ राशि का भुगतान करना होगा। इस राशि का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि ये दस्तावेज घर बैठे ही लोग प्राप्त कर पाएंगे। विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर भूमि अभिलेख पोर्टल को ओपन करना होगा। प्रक्रिया का प्लान करते हुए पूरा इसे भरकर ऑनलाइन ही जमा कर देना होगा। 12 तरह के जो दस्तावेज हैं जिसे भू अभिलेख के पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in से ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है, उसमें ये दस्तावेज शामिल है: कैडस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज बाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल खारिज पंजी, बंदोबस्त अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख।